ताऊ हॉस्पिटल गए इलाज करवाने। नर्स बोली, लंबी सांसें लो। ताऊ ने लंबी सांस ली। नर्स, कैसा महसूस हो रहा है? ताऊ, कौन सा परफ्यूम लगा कर आई है, मजा आ गया? दो पड़ोसन आपस में बात कर रही थी। पहली पड़ोसन, तुम्हें पता है 24 साल तक मेरे कोई औलाद नहीं हुई। दूसरी पड़ोसन, तो फिर तूने क्या किया? पहली पड़ोसन, जब मैं 24 साल की हुई तब घर वालों ने जाके मेरी शादी करवा दी, फिर कहीं जाकर कर मुन्ना हुआ। दूसरी पड़ोसन आईसीयू में भर्ती है। बैंक की कैशियर, खिड़की पर खड़े आदमी को कैशियर ने कहा, पैसा नहीं है। ग्राहक, और दो मालिया को पैसे? सारे पैसे लेकर भाग गया विदेश में। कैशियर ने खिड़की में से हाथ निकाला और उसकी गर्दन दबोच कर कहा, साले बैंक में तो है, तेरे खाते में नहीं है भिखारी। पति, तुमने तो सुबह कहा था कि रात के खाने में दो ऑप्शन होंगे, यहाँ तो एक ही सब्जी दिख रही है। पत्नी, ऑप्शन अभी भी दो है। पति, वो कैसे? पत्नी, खाना है तो खाओ, नहीं तो रहने दो। लड़का लड़की देखने गया, उन्हें बात करने के लिए अकेले बैठा दिया गया। लड़की ने डरते हुए पूछा, भैया आप कितने भाई बहन हो? लड़का, अभी तक तो तीन ही थे, अब चार हो गए हैं। टीचर, इस मुहावरे को वाक में प्रयोग करके बताओ, मुंह में पानी आना। छात्र, जैसे ही मैंने नल की टोटी से मुंह लगाकर नल चालू किया, मेरे मुंह में पानी आ गया। टीचर, गेट आउट। पत्नी में भी वो शक्ति है जिसके घूरने मात्र से ही लौकी की सब्जी में पनीर का स्वाद आने लगता है। आदमी, भाई साहब यह स्कूटर स्टैंड कहाँ है? टिंकू, भाई साहब आप पहले अपना मुझे नाम बताओ। आदमी, पप्पू। टिंकू, अब अपने माता पिता का नाम बताओ। आदमी, मुझे पिक्चर देखने जाना है, आप मेरा समय बर्बाद किए बिना बताइए स्कूटर स्टैंड कहाँ है? टिंकू, तभी तो बोल रहा हूँ, जल्दी बताओ। आदमी, मेरी माता का नाम आशा देवी है और वो टीचर है, पिताजी का नाम राजेश शर्मा है और वो वकील है। रामू की 2 करोड़ की लॉटरी निकली। लॉटरी वाला, आपको टैक्स काटकर 1.75 करोड़ मिलेंगे। सोनू, ये गलत बात है, मुझे पूरे 2 करोड़ दो, नहीं तो मेरा टिकट के 100 रुपये वापस कर दो। टीचर, टेबल पर चाय किसने गिराई? अपनी मातृभाषा में बोलो। स्टूडेंट, मातृभाषा मतलब मम्मी की भाषा। स्टूडेंट, अरे नालायक, धूली चादर को बर्बाद कर दी, अब ये तुम्हारे पापा आकर धोएंगे। टीचर, न्यूटन का नियम बताओ। स्टूडेंट, सर पूरी लाइन तो याद नहीं है, लास्ट की याद है। टीचर, चलो लास्ट की सुनाओ। स्टूडेंट, और इसे ही न्यूनतम का नियम कहते हैं। सीता, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? गीता, मेरे पास 20 साल पहले अपनी शादी में सिलवाया सूट है जो अभी तक मुझे फिट आता है, उसके बाद ये चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। टीटू अपने दोस्त से, मैं सुबह जल्दी उठ के रोज घूमने जाता हूँ दोस्त, पर मैं सुबह उठकर कभी घूमने नहीं जाता। टीटू, अच्छा क्यों? दोस्त, जब धरती स्वयं घूम रही है तो फिर मैं क्यों कष्ट करूं? कर्मचारी, जैसे ही नई शर्ट पहनकर ऑफिस आया, बॉस, वाह नई शर्ट तुमने खरीदी है क्या? कर्मचारी, नहीं सर, भैया ने गिफ्ट दी है। बॉस, ओह मुझे लगा कहीं मैं सैलरी ज्यादा देने लगा हूँ। एक नेताजी की गाड़ी पर प्लेट लगी थी जिस पर लिखा था, हाँ हूँ। पुलिस वाले ने ड्राइवर से पूछा, कौन सी पार्टी के हैं ये नेताजी? ड्राइवर, हारे हुए प्रत्याशी। लड़की आकर दिखाते हुए, तुम नहीं जानते लोग मरते हैं मुझ पर। मंटू, क्यों? तुम क्या किसी सरकारी अस्पताल का बिस्तर हो? लड़की, तुम मेरी फीलिंग्स कभी नहीं समझते यार। लड़का, मैं तो खुद की हैंडराइटिंग नहीं समझ पाता, फीलिंग्स क्या समझूंगा। लड़की, मेरे पापा ने मुझे नया मोबाइल खरीद कर दिया। लड़का, अरे वाह कौन सी कंपनी का? लड़की, लावारिस। लड़का, अरे अंकल की अंधी हो, लावारिस नहीं लावारिस है। पप्पू सिर पर हाथ रखकर बैठा था, पास से गुजर रहे उनके एक मित्र ने पूछा, क्या हुआ भाई परेशान क्यों बैठे हो? पप्पू ने कहा, यार
क्या बताऊं, 2 टन का एसी खरीदा था, घर जाकर तोला तो 62 किलो का ही निकला। दोस्त, भाई मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है। दूसरा दोस्त, अरे वाह, बधाई हो, शादी कब है? दोस्त, मेरी 2 नवंबर की और उसकी 11 नवंबर की। पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर होटल डिनर कराने गया। पप्पू बोला, बेबी क्या मंगाओ? गर्लफ्रेंड, मेरे लिए तो पिज्जा मंगा लो और अपने लिए एम्बुलेंस। पप्पू, अरे एम्बुलेंस क्यों? गर्लफ्रेंड, पीछे देखो, तुम्हारी बीवी खड़ी है। पतलू, भाई कहाँ जा रहे हो? मोटू, यार सोना खरीदने जा रहा हूँ, सुना है सोने में भारी गिरावट आई है। पतलू, तुझसे ऐसा किसने कहा? मोटू, अरे कल ही के न्यूज में आया, सुना सोने में काफी गिरावट आई है, पहले लोग 6 घंटे सोते थे, अब मोबाइल फोन के कारण 5 घंटे ही सोते हैं। पति, मैं नाश्ता नहीं करूंगा, लेट हो रहा हूँ। पत्नी, मैंने परौठे आज वाइन डालकर बनाए हैं, 4 परौठे खाने के बाद पति मजा आ गया। कौन सी वाइन डाली थी? पत्नी, अजवाइन। सुनते ही पति के होश उड़ गए। गप्पू, यह सदाचार क्या होता है? पंता, जैसा आम का अचार होता है वैसा ही सदा का अचार होता है। गप्पू, और यह अनुशासन क्या होता है? पंता, जैसा दुशासन होता है वैसा ही अनुशासन होता है। मोनू, दुनिया में 2 तरह के नेटवर्क ही सबसे तेज है। मिंटू, कौन कौन से? मोनू, एक ईमेल और दूसरा फीमेल, 1 मिनट में इधर की बात उधर पहुंचा देती है। वैलेंटाइन डे के दिन लड़का सुबह ही तैयार हो गया। पिता, बेटा कहाँ जा रहे हो? बेटा, अरे पापा आज वैलेंटाइन डे है ना। पिता, मतलब तेरी भी गर्लफ्रेंड है? बेटा, अरे नहीं पापा, मैं तो कपल्स पे लाठी चार्ज करने जा रहा हूँ। पत्नी ने पति को तमाचा मार दिया। पति तिलमिला उठा और पूछा, मैंने क्या गलती की? पत्नी बोली, तुम कोई गलती करो, उसके लिए मैं इंतजार थोड़ी ही करती रहूंगी। नौकर, सर आप हमेशा अपनी कंपनी में शादीशुदा लोगों को ही क्यों रखते हैं? मालिक, क्योंकि वे बेइज्जती सहने के आदी होते हैं और उन्हें घर जाने की जल्दी भी नहीं होती। टीचर, टीटू बताओ अकबर ने कब तक शासन किया? टीटू, सर जी पेज नंबर 14 से लेकर पेज नंबर 22 तक। No. शिक्षक, रावण के पास ऐसी कौन सी कला थी जो दूसरे किसी के पास नहीं थी? पप्पू, वो अकेला ही सामूहिक गीत गा सकता था। शिक्षक, वनवास के लिए निकले गए। पिता, देख बेटा मैं तेरे लिए नए जूते लाया हूँ। बेटा, पर पापा इनका साइज तो काफी बड़ा है, मेरे नहीं आएंगे वह जूते। पापा, ये तेरे पहनने के लिए नहीं है, इन्हें तो मैं पहनूंगा, तेरे तो खाने के काम आएंगे। आपको हमारी जोक कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।